सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लिया है और आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिला है और आपका इस बार 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, कौन कौन से नए सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, इसके बारे में E2Z पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, जिसमें नंबर 1 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इसमें आपको क्या पढ़ने होंगे दोस्तों, इसमें आपको जैसे आप अपने फोन को चलाते हैं उसमें जो आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन होती है उसका यूज कैसे और किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में आपको इसमें बताया जाता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में। इसमें आपका रिटेन एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मुख्य चीजों को बताया जाता है। इसमें आपका रिटेन एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसे शॉर्टकट में IMED के नाम से जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है और इसके बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इसमें आपका रिटेन एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है इलेक्टिव। इलेक्टिव में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके पढ़ना होता है, वो आपको कॉलेज वाले चूज करके देते हैं, तो आपको उसमें एक सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो है मेजर प्रोजेक्ट वर्क। दोस्तों, जैसे कि आपने 5th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट वर्क को पढ़ा था या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वर्क को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें आपको 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में मेजर प्रोजेक्ट वर्क को पढ़ना होता है। इसमें आपको फाइल बनाना होता है, प्रैक्टिकल देना होता है, जिसमें आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 40 नंबर आपको कॉलेज और सेशनल के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। तो दोस्तों, ये टोटल आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में 5 सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।